दोस्तों क्या आपको पता है UFC के अंदर फाइटर्स लोग अपने से कम रैंक फाइटर के साथ क्यों फाइट नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर वो जीत भी जाए फिर भी उन लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो यही हुआ है रिनाटो मोइकानो के साथ। रिनाटो मोइकानो खुश नहीं है UFC वालों से। वो जिस तरह से हराया है UFC फाइट नाइट पेरिस में बेनोइट सैन डेनिस को, उसका बाद भी उसका रैंकिंग अपडेट नहीं हुआ है। वो नंबर 11 रैंक पे था, नंबर 11 रैंक में ही है। ऐसे ऐसे फाइटर है आपका लाइटवेट डिवीजन में जो एक दो साल से अनएक्टिव है, दो तीन साल से अनएक्टिव है, लेकिन फिर भी वो लोग टॉप फाइव में है। लेकिन रिनाटो मोइकानो जो 6 फाइट का विनिंग स्ट्रीक पे है, एक्टिव है, वो फिर भी उस लिस्ट पे नहीं है। वो नंबर 11 पे था, वहीं पे है। तो इसलिए रिनाटो मोइकानो खुश नहीं है UFC वालों का इस रैंकिंग सिस्टम से। तो आपको क्या लगता है, क्या रिनाटो मोइकानो डिजर्व करता है टॉप 5 में रहना? तो इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, वो जरूर हमें बताइएगा। तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन इज़राइल अदेसान्या को लेके। इज़राइल अदेसान्या रैंकिंग लिस्ट से बाहर हो गया है। 2019 से लेके 2024 का मिड तक इज़राइल अदेसान्या था पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग लिस्ट से इज़राइल अदेसान्या को हटा दिया गया है। इज़राइल अदेसान्या और नहीं है पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग लिस्ट पे ही नहीं है, ना टॉप 10 में ना टॉप 15 में, वो है ही नहीं रैंकिंग लिस्ट पे। तो इस बारे में जान के आपको कैसा लगा दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इज़राइल अदेसान्या कभी वो रैंकिंग लिस्ट पे वापस आ पाएगा? क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर में कभी इज़राइल अदेसान्या वापस से मिडिलवेट चैंपियनशिप बेल्ट को कैरी कर पाएगा अपने कंधों पे? या फिर आपको लगता है कि नहीं, इज़राइल अदेसान्या जो करना था कर लिया, उसका वक्त भी खत्म हो गया? इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।